और वो दोनों भक्त एक दूसरे के संबंधी थे, एक मामा था एक भांजा था। उन दोनों को ठाकुर जी की सेवा का बड़ा भाव था हृदय में। एक बार उन्हें पता चला कि कुछ मलेच्छों ने हमारे कीमती ठाकुर जी के विग्रह को अपने पास में छुपा करके रखा है। तो उन दोनों ने विचार किया कि ठाकुर जी को कैसे लिया जाए। हमारे जीवन का परम उद्देश्य यही है कि इन ठाकुर जी को यहां से, इन मलेच्छों के बीच से मुक्त करके और इनके लिए सुंदर मंदिर व्यवस्थित करवाना, इनकी सेवा प्रारंभ करवाना, हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। दोनों मामा भांजे ने निर्णय ले लिया और ठाकुर जी की सेवा के लिए उन्होंने एक बार तो चोरी करने का प्रयास किया कि मलेच्छों के यहां से ठाकुर जी चोरी कर लें। लेकिन मलेच्छों ने ऐसी व्यवस्था करके ठाकुर जी को छुपा रखा था कि जैसे आजकल पासकोड होते हैं ना, जैसे आजकल पासवर्ड्स होते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी ऐसी जगह पर रखे थे कि वहां से उनको निकाल, कोई वो ही निकाल सकता है जो उस स्थान को अच्छे से घुमाना जानता हो, ऐसा कुछ था। तो उन दोनों ने क्या किया, थे तो वे हिंदू थे तो वे वैष्णव, लेकिन केवल ठाकुर जी की सेवा के लिए दोनों ने मलेच्छों का रूप धारण किया, मलेच्छों के बीच में रहे, मलेच्छों की सेवा की, उनका विश्वास जीता। वर्षों तक उनके बीच में रहने के बाद में जब उनका पूर्ण विश्वास हो गया तो मलेच्छों ने मन में विचार किया कि इन दोनों को अब, ये जो हिंदुओं के कीमती ठाकुर जी हमारे पास है, इनकी सुरक्षा इनको दे दो, दोनों को, ये हमारे विश्वास पात्र हैं। और यही वो चाह रहे थे। सुरक्षा प्राप्त हो गई, दोनों ने खूब सुरक्षा के बहाने दोनों देखते रहते थे कि यहां से ठाकुर जी कैसे निकलें। तभी देखा एक शिखर जैसा था, उस शिखर को कुछ तीन दिशाओं में घुमाया जाता था, तब जाकर के एक छोटा सा गेट जैसा दिखता था जिसमें से ठाकुर जी को निकाला जा सकता था। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि उसमें केवल हाथ ही जा सकता है भीतर, पूरा देह अंदर नहीं जा सकता था। दोनों ने बड़े षड्यंत्र करके, बड़े प्रयास करके ऐसा कुछ युक्ति निकाली कि देह भीतर पहुंच गया और भीतर से उन्होंने ठाकुर जी को बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगे तो उस स्थान की कुछ बनावट ऐसी थी कि भीतर शरीर चला तो गया लेकिन बाहर केवल मुख ही आ पाया, शरीर पूरा भीतर ही रह गया। तो जो मामा थे उन्होंने ठाकुर जी को पहले बाहर निकाला, भांजे को दिया। जैसे स्वयं बाहर आने लगे तो केवल मुख बाहर आ पाया, पूरा शरीर वहीं अंदर ही अटक गया। अपने भांजे से बोले, देखो भांजे, यदि मैंने निकलने का प्रयास किया तो मेरा वध हो जाना है, मैं निश्चित मर जाऊंगा, और यहीं रहूंगा तो ये मलेच्छ छा करके मुझको मार देंगे। तो अब तुम एक काम करो, मेरा सर तुम ही कलम कर दो, देह तो मेरा भीतर है, सर कलम कर दो, मेरी मृत्यु हो जाए और मेरे 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 मुख को कहीं प्रवाहित कर देना, और तुम जाकर के उस अधूरे काम को करो, इन ठाकुर जी को विराजमान करो, इनका मंदिर बनवाओ। जो भांजा था उसके हृदय में बिल्कुल भाव नहीं था कि मैं कैसे कर सकता हूं, ये मेरे गुरु हैं, एक प्रकार से इन्होंने मुझे भक्ति के रास्ते दिखाए, मैं इनको कैसे मार सकता हूं। लेकिन तभी जो मामा थे उन्होंने आज्ञा की कि ठाकुर जी की सेवा के लिए तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। तब भांजे ने अपनी मामा की आज्ञा मान करके उनका सर धर से अलग किया, अपने ठाकुर जी को लेकर के दौड़ा मंदिर निर्माण हेतु। जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा तो क्या देखा कि जो स्थान उन्होंने पहले से चुना था कि यहां मंदिर बनेगा, वहां पहले से ही कुछ लोग कार्य कर रहे थे, पत्थर रख रहे थे, खुदाई कर रहे थे। तो उसने मन में विचार किया कि ये कैसे संभव हो सकता है, हमसे पहले यहां आकर के किसने सारी व्यवस्थाएं कर ली। तभी उसको मुस्कुराते हुए उसके मामा जी सामने दिखाई दी। अपने मामा को देख करके बोला, आपने तो प्राण त्याग दिए थे, फिर आप यहां कैसे आए। बोले, ठाकुर जी की सब लीला है, मेरे और तुम्हारे हृदय का संकल्प था कि भगवान को मुक्त करा के उनका मंदिर बनवाना है, लेकिन यहां ठाकुर जी के भी मन की इच्छा थी और उन्होंने पहले ही किसी राजा को चेता करके यहां पर ये व्यवस्थाएं सारी व्यवस्थित करवा दी है। अब तुम बिल्कुल चिंतित मत हो, मेरी मृत्यु की ज्यादा चिंता मत करना,
तुम जाकर के ठाकुर जी को मंदिर में सुसज्जित करो, विराजमान करो और उनकी लीला सेवा को प्रारंभ करवाओ। विश्वास यदि प्रगाढ़ है, हमारी निष्ठा यदि प्रगाढ़ है, तो कितनी भी भयानक स्थिति क्यों ना हो जाए, ठाकुर जी भक्त को और उसकी भक्ति को कभी नष्ट नहीं होने देते। इसलिए अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति मतलब चाहे जो हो जाए जीवन में, आपकी भक्ति ना डगमगाए कभी ठाकुर जी के प्रति। यही हमारा परम धर्म है। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं जीवन में, कितनी भी विपरीत दिशा हो, आप ठाकुर जी को सदा प्रेम करते रहो, उनके प्रति कभी कुभाव हृदय में मत आने दो। सूत जी महाराज दूसरे श्लोक में कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठतः पुंसा